फूडीज, अगर आप वो पुरानी वाली मंचूरियन बना के बोर हो गए हैं तो आप मंचूरियन में एक ट्विस्ट ला सकते हैं जो कि गेस्ट को और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगा। एक अमेजिंग सी रेसिपी है जिसका नाम है मैगी मंचूरियन। जी हाँ, ये बनती है मंचूरियन विथ मैगी के साथ, और इसमें हम मंचूरियन सॉस भी बना लेंगे और मैगी के बॉल्स आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं विदाउट मंचूरियन के भी। तो टू डिशेज हो जाएगी एक ही रेसिपी के अंदर जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल द सिबलिंग्स किचन को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं हमारी मैगी मंचूरियन की अमेजिंग सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बनाना मैगी मंचूरियन। ये दो मैंने मैगी के पैकेट ले लिए हैं। अब मैं सबसे पहले पैन में पानी गर्म रख देती हूँ। इसमें हम 1.5 कप पानी का यूज़ करेंगे। वैसे हम यूजुअली 2 कप मैगी को उबालने के लिए 2 कप पानी का यूज़ करते हैं, बट इसमें मैं 1.5 कप मिलाऊंगी क्योंकि हमको इसको 90% ही बॉयल करना है। फिर जब हम फ्राई करेंगे तो मैगी फिर वापस से फ्राई होगी, इसलिए हम इसे 90% ही बॉयल करेंगे। तो ये मैं मैगी इसके अंदर डाल देती हूँ। जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा हमको मैगी को डालना है और इसे 90% उबाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो 2 मिनट में ये मैगी हमारी बॉयल हो जाएगी अच्छे से। ये मैंने फ्रेंड्स मैगी को देखिए बॉयल हो गई है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ा सा। ये पहले ही हमको इसको बुरादा करके डालना है छोटा छोटा करके। अब ये मैं एक बाउल ले लूँगी। इस बाउल में जो हमारी मैगी ठंडी हो गई है ये हम ले लेंगे। इसको देखिए मैंने पहले ही चूरा कर लिया था, तो बाद में आपको इसको इस तरीके से तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे, मैंने कैबेज काट के रखी हुई है, तो बारीक ग्रेट कर लीजिए। 1/2 कप के अराउंड मैंने कैबेज ली है। फिर 1/2 कप जो है मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। जो भी सब्जी आपके पास हो, जो मंचूरियन में आप लेते हैं वो आप ले सकते हैं, आपकी ऑप्शनल है। ये मैंने इसमें ली है कैप्सिकम, बट हमेशा इस रेसिपी के अंदर इन सब वेजीज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ये ज़रूर मिलाएं। कैरेट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें वरना आप ना डालें। तो 1/2 कप मैंने ये भी लिया है। तो टोटल जो है ये वो 1.5 कप के अराउंड आपकी वेजीज इसमें हो जाती है। फिर इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने 2 बड़े चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर लिया है। ये कॉर्नफ्लावर डालने से जो है हमारी इन बॉल्स को, मंचूरियन बॉल्स को बाइंडिंग मिलेगी। तो ये मैं ऐड कर देती हूँ। और साथ में मैंने ये 2 चम्मच जो है ये चावल का आटा मैंने डाला है। चावल पीस लिए थे मैंने, बिल्कुल ऑप्शनल है, बस इसे टेस्ट अच्छा आता है और बाइंडिंग भी मिल जाती है। फिर ये मैंने इसके अंदर मिलाया है चाट मसाला 1 टीस्पून, थोड़ा सा टैंगी टेस्ट देने के लिए। और ये मैंने इसके अंदर मिलाई है काली मिर्च 1 टीस्पून, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। फिर फ्रेंड्स ये पेरी पेरी मसाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बाज़ार में आराम से मिल जाता है, तो 1/2 पैकेट आप ये ऐड कर दीजिए इसमें। और साथ में जो टेस्ट मेकर्स आते हैं हम इसमें वो ऐड कर देंगे। तो 2 मैगी के साथ 2 टेस्ट मेकर थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। ये हमने तब बॉयल करते वक्त नहीं डाले थे, हमें इसी वक्त डालना है, तभी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा नमक मिला लूँगी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून, ऑलरेडी इसमें नमक होता है सब चीज़ों में, तो इसमें अपने हिसाब से डालें। फिर मैंने गार्लिक का पेस्ट डाला है इसके अंदर 1 टीस्पून, आप चॉप गार्लिक भी डाल सकते हैं। और ये सेजवान चटनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो वो मैंने ऐड करा है। आप इसमें सॉसेज भी हैं वो सॉसेज भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा केचप भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। आप सोया सॉस भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बट देखिए इस तरीके से ऐड करें कि हमारी बॉल्स बन पाएँ, ज़्यादा लिक्विड ना हो। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी फ्लेवर आपको देने हो। मैंने थोड़े इसमें चाइनीज़ फ्लेवर दिए हैं। इस तरीके से मैं इनको हिला लूँगी अच्छे से, और अब इनको एक डोसा बना के और इनकी बॉल्स प्रिपेयर कर लूँगी। तो हाथ की मदद से आप इसे आराम से गूँथ लें, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अब इसकी बॉल्स हमारी आराम से बन पा रही है। तो इसलिए आप जो भी सॉसेज ऐड करें तो अपने हिसाब से करें कि बॉल्स इस तरह से प्रिपेयर हो। तो मैंने सारी बॉल्स बना लेंगी इस तरीके से, मैंने सब बॉल्स प्रिपेयर कर ली हैं, ये देखिए। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए, वैसे आप इसको ऐसे भी तल सकते हैं, बट मैंने ये मैगी है एक मैगी का पैकेट और ले लिया था, इसे इस तरीके से मैंने बुरादा कर दिया है। अब हम इसे इस पर लपेट लेंगे, फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रंची आता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। आप बिना मंचूरियन के भी इन्हें सर्व कर सकते हैं केचप के साथ या सेजवान चटनी के साथ, तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो इस तरीके से हम इन्हें रोल कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से कितना सुंदर दिख रहा है। ये फ्राई होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ब्राउन इनका कलर हो जाता है, बहुत सुंदर दिखते हैं। सब मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में जो है तेल गरम होने के लिए रख दिया है। जब ये गरम हो जाएगा अब हम इन्हें डाल देते हैं बॉल्स को, इन्हें फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स हम इनको मीडियम ही आँच पर फ्राई करेंगे ताकि ये जो है आराम से हमारा जो फ्राई हो जाए, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है। इसको आप जो है फोक की मदद से हिलाएं ताकि टूटे नहीं, आराम से हमको इसको स्टर करना है इस तरीके से। 5-6 मिनट में ये देखिए गोल्डन ब्राउन सिंग का कलर हो गया है। अब मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। मैगी भी कितनी अच्छी से हमारी क्रिस्पी से दिखने लगी है, बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, बिलीव करिए। बहुत अमेजिंग सी रेसिपी है, बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत अच्छा इसका फ्लेवर लगता है, खाने में बहुत ही यमी होती है। अब मंचूरियन सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए कढ़ाई ले ली है मैंने, ले ली है 2 बड़े चम्मच तेल।
अब जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा इसमें हम सारी वेजीज ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने जो है कैप्सिकम, प्याज और कॉर्नस को बॉईल करके रखा था, और साथ में मैंने टमाटर, ये सब बीन्स, ये सब ऐड करा है। तो 1 कप के अराउंड सारी वेजीज हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। और अब मैंने थोड़ी कैबेज है, ये 1/2 कप के अराउंड कैबेज भी इसमें डाली है। इसे बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आता है मंचूरियन में, बहुत मेन इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, ये ज़रूर ऐड करें अगर आपके पास हो तो। अब इसे हम सौते करेंगे, हमें इसे ज़्यादा नहीं सौते करना है। फिर हम इसमें जो है ये मैंने गार्लिक का पेस्ट है 1 टीस्पून वो ऐड करा है, इससे बहुत अच्छा गार्लिक का फ्लेवर आएगा हमारे मंचूरियन में। अब इन्हें हम सौते करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इसे 2-3 मिनट तक हम हिलाएंगे। उसके बाद अब हम इसमें सॉसेज डालना ऐड करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने 2 चम्मच सोया सॉस डाला है, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 चम्मच विनेगर, और अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच ग्रीन सॉस जो है, ग्रीन चिली सॉस। ये जैसे अगर आपके घर में कम अगर मिर्ची खाते हैं तो आप इसे कम ऐड करें, हमने इसमें बाकी और कोई मसाले नहीं मिलाए इसलिए आप इसमें इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी मिलाएंगे, तो ये मैंने 1.5 कप के अराउंड पानी मिलाया है ताकि थोड़ी लिक्विड रहे, मंचूरियन थोड़ी लिक्विड ही पसंद करते हैं सब। तो अब इसको हम बॉयल आने देंगे 5 मिनट के अराउंड, इसको हम इसको इस तरीके से बॉयल आने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, ये मैंने 1 टीस्पून के अराउंड सॉल्ट मिलाया है। अब मैं इसमें फ्रेंड्स एक मंचूरियन मसाला मिलाऊंगी, इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये, तो आप ये इसमें ऐड कर दें। इसको आप पानी में घोलकर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही करा है। फिर मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये मैंने पूरा पैकेट इसमें ऐड किया है। अगर आप ये ना ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर फिर थोड़ी सी जो है काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बट इसमें सारे मसाले होते हैं इसलिए मैंने ये ऐड करा है। अब मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर है उनको 2 चम्मच ही पानी में घोल लिया था। इसकी एक स्लरी प्रिपेयर कर ली थी वो मैंने ऐड करी है। ये हमारे मंचूरियन को थोड़ी थिकनिंग देगा और टेस्ट भी अच्छा देगा। अब हमें इसे कम से कम भी नहीं 10 मिनट तक इसे बॉयल आने देना है, थोड़ा थिक हो जाएगी इससे हमारी मंचूरियन। और 10 मिनट के बाद हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है, हमारी मंचूरियन बनके एकदम रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे लाजवाब से मैगी के बॉल्स रेडी हैं, कितने क्रंची और क्रिस्पी लग रहे हैं ये, और मंचूरियन भी हमारा कितना थिक हो गया है। इसमें बहुत सारे वेजीज हैं, बहुत ज़्यादा यमी इसका फ्लेवर है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सर्व कर सकते हैं, विदाउट इसके भी हम मैगी बॉल्स ऐसे भी सर्व कर सकते हैं सेजवान सॉस के साथ, या फिर आप ये मंचूरियन सॉसेस में ऐड करके ज़रूर ऐसे भी फ्लेवर भी इसका दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यमी बनके रेडी है, आप भी